किसानों के मुताबिक सबसे पहले सरकार 7000 रुपए में से 900 रुपए प्रति एकड़ फसल बीमा का काट रही है, यानी किसानों को मिलेंगे प्रति एकड़ 6100 रुपए। अब अगर कोई किसान धान की जगह कम पानी वाली मक्के की फसल बोता है तो धान और मक्के की उपज और कीमत के आधार पर उसे प्रति एकड़ 14500 रुपए का नुकसान होगा, जबकि सरकार से मिलेंगे 6100 रुपए। यानी किसानों को सरकारी मदद मिलने के बाद भी प्रति एकड़ 8400 रुपए का नुकसान होगा। और इसी मामले में करनाल के किसान संदीप सिंह रोहा से फोन पर बात की स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका आरन ने, आइए सुनते हैं। और इस स्कीम के बारे में समझते हैं। पिछले साल भी खट्टर सरकार ने जल ही जीवन है इस योजना को लेकर आई थी, जल संरक्षण को लेकर 7 ब्लॉक्स में, जिसमें से वादा था कि 2000 रुपए प्रति एकड़ कैश दिया जाएगा, 766 रुपए बीमा का होगा, उसमें हाइब्रिड सीड देने की बात थी। समझते हैं, हमारे साथ एक किसान भाई हैं जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं करनाल से। उन्होंने इस योजना के तहत धान को छोड़कर मक्का लगाई, उनका क्या अनुभव रहा और क्या अब इस नई योजना के तहत वो फिर से एक बार सरकार पर एतबार करेंगे या नहीं? जी बताएं, आपका किस तरह का अनुभव रहा? मैडम जी, मैंने पिछले साल सरकार के जो नियम थे उनके तहत जो सरकार ने बोला था कि भाई प्रोत्साहन राशि दी जाएगी मक्का लगाने वाले किसान को, और जो धान लगाना छोड़ के मक्के की खेती करो किसानों के ये आदेश दिए गए थे। पिछली बार मैंने किराए पे जमीन लेके 55000 रूपये किराए पे जमीन ली थी और उसमें 1.5 एकड़ में मैंने मक्के की खेती की थी। जो सरकार से बीज मिला था वो बीज मैंने पहले खेत तैयार करके खेत में लगाया जी। खेत में लगाने के बाद उसका जमाव भी करीबन 50% कम निकला। जमा होने के बाद भी उसमें खरपतवार इतना हो गया जी, मेरे को 13500 रूपये उसका खरपतवार निकालने में लग गए। खरपतवार निकालने के बाद भी वो मक्की नहीं हुई, उसको लास्ट में मैंने पशुओं के लिए चारा बनाया। ना सरकार ने जो वादा किया था किसान से 2000 रूपये प्रोत्साहन राशि और बीमा था, ना आज तक वो राशि मिली। ये सिर्फ किसान को बहकाने वाली बात है, अब की बार फिर किसान को गुमराह किया जा रहा है। धान छोड़ने वाले किसान को 7000 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये बताएं कि अब आपने जैसे बताया कि काफी नुकसान झेलना पड़ा आपको, अब जब मेरा जल मेरी विरासत के नाम से इस साल फिर से ये योजना लाई जा रही है 19 ब्लॉक्स में, कितना एतबार करेंगे किसान, क्या इसकी तरफ जाएंगे? और जो धान और मक्के का जो गणित है, जो उससे फायदा होता है धान लगाने से, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी इस तरह के इंसेंटिव के जरिए 7000 प्रति एकड़? बिल्कुल नहीं होगी मैडम जी। अगर सरकार इसको मक्कर का पूरा भी रेट देगी तो तब भी धान और मक्की के रेट में 14500 रुपए का फर्क पड़ता है, जो किसान को घाटा होगा 14500 रुपए प्रति एकड़ का घाटा होगा धान में और मक्के की खेती में, इसमें किसान को ही नुकसान है। पर ये बताएं कि सरकार तो जल के संरक्षण के लिए इस तरह के कदम उठा रही है ना, हम तो सभी चाहते हैं कि देश में इस तरह की दिक्कत ना हो और आगे की जनरेशन को ये समस्या ना आए। देखिए मैडम जी, सरकार की जो नीति और नियत है वो सिर्फ किसान विरोधी रही है। सरकार ने हमेशा जो भी नदियों की समस्या, पिछली बार दादूपुर नहर थी उसको बंद कर दिया गया, और तकरीबन कई जगह ऐसी समस्या है जब पानी की जरूरत है, वहां पानी की समस्या सबसे बड़ी है और सरकार आज तक भी उन किसानों की अनदेखी कर रही है। सरकार पानी की व्यवस्था करे तो ना तो ये जल की समस्या होगी, हमारा जो जमीन में जल स्तर जो नीचे जा रहा है उसको ऊपर लाने के लिए पानी की व्यवस्था करना सरकार का काम है, और सरकार ऐसी योजनाओं को सिरे से खारिज करती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है किसान की, अगर सरकार पानी बचाने के लिए कुछ करना चाहती है तो जो पिछली बार दादूपुर नलवी नहर थी उसको बंद क्यों किया गया? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये सवाल सामने खड़े करने के लिए। आशा करते हैं कि खट्टर सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी और आपका ही उदाहरण लेकर ऐसे तमाम किसान भाई हैं जिनको इस तरह की दिक्कतें हैं उन पर कुछ राहत मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।